हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आ जाएंगे, केडी लाइव के साथ जुड़ेंगे और शिल्पी मैम के साथ जुड़ेंगे, साइंस की क्लास के साथ जुड़ेंगे। जल्दी से बच्चे शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और एक बार जुड़ जाएंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, सभी बच्चा पार्टी से शुरू करेंगे अपनी क्लास साइंस की। बच्चों आपको पता है, जैसे कि अभी एक बच्चा कह रहा था कि मैम आपने क्लास फिर से शुरू कर दी। हां जी, और आप जो है अपनी बड़ी बड़ी और प्यारी प्यारी आंखों से देखो, यहाँ है सीरीज टू, अपनी क्लास आज टू है, यानी एक क्लास आपकी कल हो चुकी है। तो जिन बच्चों ने कल वाली क्लास नहीं देखी है, फटाफट उसे देखकर तभी आप आज की क्लास में आएंगे, मतलब अभी अभी देख के जाना, ठीक है? तो कल वाली क्लास भी आप देख लेंगे, क्योंकि बच्चों कल भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए थे, और जैसे ही कल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, वैसे ही आज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सही बच्चों को शेयर कर देना है, शेयर वेयर कर लो, ठीक है? फिर हम क्लास शुरू करेंगे। चलिए, तो जैसा कि एक से दो मिनट आपको रोज दिया जाता है कि भाई आप शेयर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है? लाइक तो करते जाओ, जितने बच्चे लाइव आते जाएंगे लाइक करते जाएंगे, ठीक है? और जुड़ जाइए अपने पड़ोसी को, ठीक है? जो भी आपके रिश्तेदार हैं सबको बुला लो, एक साथ बैठ के पढ़ो, ठीक है? तो एक बार कर ले हेलो हाय। चलिए, तो सबसे पहले लूंगी मैं मनीषा का। गुड इवनिंग मनीषा, गुड इवनिंग, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। उसके बाद में नीति गहलोत है, फिर है जो है इंदल कुमार शर्मा, गुड इवनिंग। चलिए ट्रेडिशनल शिल्पी मैम, ठीक है भाई, जो भी तुम बना दो, ओके। उसके बाद में है सुरेंद्रा कुमार, ओके, थैंक यू सुरेंद्रा, गुड इवनिंग। सूजी एंड लियो है, कहाँ आप, मतलब भूले नहीं इतने दिन से, हाँ चलिए ठीक है। उसके बाद में कौन है, लवकुश है, माया शंकर है, मनोज है, चलिए भाई ठीक है, हाँ ओके। बैक ईयर पेपर, ठीक है, फटाफट फटाफट सभी आएंगे। चलिए, चंदन जी है, निकिता है, ओके। तो भाई देखो, जिन बच्चों का नाम मैंने देख लिया है उनको भी गुड इवनिंग, और जिनको नहीं देखा तो पहले बता दूं गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है? किसी बच्चे को दिल पे लेने वाली बात नहीं, हम क्वेश्चन करते चलेंगे और जो बच्चा सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम सबसे पहले लिया जाएगा, ठीक है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बहुत हो गया, आप चलो शुरू करते हैं, ठीक है? अब चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर करो, ठीक है, फटाफट कर दो भाई। आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, Which material can not use for making lens? ठीक है, सीधा आपसे पूछा जा रहा है कि लेंस बनाने के लिए कौन से मटेरियल, कौन से सामग्री का आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्या बनाया जाएगा, लेंस, ठीक है? लेंस बनाने के लिए आप कौन से सामग्री, कौन से मटेरियल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? वॉटर यानी पानी, ग्लास यानी कांच, ठीक है, कांच, और प्लास्टिक या क्ले यानी आपकी मिट्टी, आंसर कीजिए, ठीक है? तो देखो, लेंस और मिरर दो चीजें होती हैं, एक लेंस, ठीक है, और एक आपका होता है मिरर, ठीक है बच्चों? अगर मैं बात करूं इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है बच्चों, जो मिरर होता है वो एक तरीके से क्या होता है, वो एक तरीके से ओपेक होता है, ठीक है? लेकिन जो आपका क्या है, लेंस है, वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक? तो बच्चों अगर आपको लेंस बनाना है तो जो भी मटेरियल आप यूज करेंगे, यहां पर कह रहा है लेंस बनाने के लिए, तो लेंस बनाने के लिए जो भी मटेरियल आपको यूज करना है वो क्या होना चाहिए, वो पारदर्शी होना चाहिए, यानी वो क्या होना चाहिए, वो बच्चों आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर है कि किसका यूज नहीं कर सकते, तो भाई मिट्टी। मिट्टी क्या है, ये जो है, अगर क्ले की बात करें मिट्टी, तो मिट्टी देखो ओपेक है, क्या अगर मैं देखना चाहूं मिट्टी के उस पार, तो क्या इस जो यहाँ पर लोग हैं या जो भी है उनका हाथ दिख रहा है? अगर ये ट्रांसपेरेंट होता तो इनका हाथ दिखता, इनका हाथ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ओपेक है, तो लेंस बनाने में हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हमने शुरुआत की है, यस ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है किसी वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर, उसके फोकस पर रखा जाए तो उसकी जो उसकी इमेज बन के आएगी वो कहाँ बनेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, किससे है भाई, कॉनकेव मिरर के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है? आपसे सीधा क्या पूछ रहा है कि ऐसे कोई कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, अगर उसके फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो जो उसकी इमेज बन के आएगी वो कैसी बनेगी, इरेक्ट, इनलार्ज, इन्वर्टेड एंड द सेम एज द साइज, इन्वर्टेड एंड हाईली डायमिनिस्ड यानी बहुत छोटा, या इन्वर्टेड हाईली इनलार्ज, बताइए क्या आंसर आएगा बच्चों। इस टाइम जो क्वेश्चन आ रहा ना, मिरर चैप्टर से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, हाँ मिट्टी बिल्कुल सही आंसर है। इस टाइम जो आपका एग्जाम हो रहा है बच्चों, उसमें मिरर चैप्टर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, यहां से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं,
तो जैसे जैसे मैं सारे जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रही हूँ या आपके जो शिफ्ट वाइज जो आपके एग्जाम हो रहे हैं सब में जो है यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन, देखो अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूँ ना, एक फोटो बनाऊंगी, ठीक है, एक फोटो बनाऊंगी, उससे अगर किसी बच्चे को वो फोटो समझ में आ गई, समझ लो ऐसे क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं कॉनकेव मिरर से सब खत्म है, ठीक है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपके कॉनकेव मिरर से बन सकते हैं सब खत्म है। कैसे बनेगी वो फोटो देखो, अगर फोटो बनाए बच्चों, कॉनकेव मिरर आप सब जानते हैं क्या होता है, किसका जो ये उभरा हुआ पार्ट होता है बच्चों ये पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। किस मिरर की बात कर रहे हैं, कॉनकेव, ध्यान से सुन लेना, ठीक है, कॉनकेव मिरर के हम बात कर रहे हैं, ठीक। अब एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है जो बिल्कुल बीच से इसे काटता है, यस मैम, यहाँ पे क्या होता है, जहां से काटेगा वही इसका पोल होता है, ठीक है बच्चों। ये अगर हम पूरा मिला दें तो एक सर्कल बन जाएगा, इसलिए यहाँ बीच में हम इसका सेंटर मानते हैं, और सेंटर और पोल के बिल्कुल बीच में क्या होता है, फोकस, और कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है तो उसे इन्फिनिटी कहते हैं। अब बच्चों आपसे क्या बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, यहाँ फोकस पे रखा है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछना चाहे कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकता है, अगर आपसे एग्जामिनर पूछना चाहे ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकता है, तो एक दो तीन चार पांच छ, यही छह जो है बच्चों प्लेस है, स्थान है, ठीक है, जहां पर आपका क्या, जहां पर आपका एग्जामिनर ऑब्जेक्ट रखेगा, या तो इन्फिनिटी अनंत पे रखेगा, या इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखेगा, या सेंटर या फोकस और सेंटर के बीच में, यही छह जगह है जहां पे क्या क्या आपका क्या बन के क्या रखेगा, ऑब्जेक्ट रखेगा। अब देखो बच्चों आपको इसमें करना क्या है, ये तो है सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है मैम, तो यही छह जगह वो रखेगा। अब देखो इमेज कैसे बन के आएगी, ध्यान से देख लेना, जो बच्चा समझ गया हमेशा के लिए उसका क्लियर है। एक दो तीन चार पांच और छह नंबर वाला हम इसके पीछे बना देंगे, बस खत्म, सारा कॉनकेव मिरर खत्म, यहीं से आपका सारा कॉनकेव मिरर खत्म है। बच्चों देखो ध्यान से देखना, अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, अभी उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, मैं उसी क्वेश्चन के ऊपर चलूंगी, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैं इसी क्वेश्चन को लेके चलती हूँ, ठीक है, इसी क्वेश्चन को लेके चलती हूँ। इस क्वेश्चन में इसने पूछा है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, वो फोकस पे रखा है, कहाँ रखा है, फोकस पे, तो फोकस पे जो ऑब्जेक्ट रखा है सीधे देखो कि उसकी नंबरिंग क्या है, पांच, क्या नंबरिंग है, पांच, तो सीधा देखो बच्चों कि जो ये बॉक्स है ये क्या है, जो मैम ने ये बॉक्स बना रखा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इमेज रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी प्रतिबिंब, ठीक है। तो पांच नंबर वाले का इमेज कहाँ बना है, ये देखो, तो उसने पूछा है साइज कैसा है, ध्यान से देखना, जो तीन नंबर वाला होता है यानी जो सेंटर पे बनता है बच्चों, ये सेम एज द साइज बनता है, मैं लिख दूंगी सेम एज द साइज, ठीक है। इधर जो बनेगा ये बहुत बड़ा बनता है, ठीक है, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनता है और उल्टा बनता है, और जो इसके इधर बनता है ये कैसा बनता है, ये बच्चों इन्वर्टर यानी उल्टा ही बनेगा, ठीक है, लेकिन स्मॉल बनता है, ठीक है, स्मॉल बनता है। तो उसने फोकस पे कहा है पांच नंबर वाला, ध्यान से देखोगे तो कहां बना है, अनंत पे बना है, यहाँ पर पांच नंबर देखो यहाँ लिखा है, ठीक है, अनंत पे बना है और बहुत बड़ा बना है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर जाएगा, एक तो उल्टा था, देखो उल्टा बना हुआ है, देखिए उल्टा लटकाया हुआ है, सीधा बस एक बन रहा है छह नंबर वाला, ठीक है, तो एक तो उल्टा बना है, दूसरा बच्चों क्या है, बहुत बड़ा बना, हाईली इनलार्ज, समझ में आ गई बात, ठीक है यहाँ तक। चलिए मैम ये टॉपिक बहुत हार्ड है, अरे समझोगे तो बहुत इजी है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। आपसे कहा जा रहा है पराग कोश में होता है द एंथर कंटेंस, आप सब जानते हैं कि आपका कोई भी फूल हो गया, कोई भी फ्लावर हो गया, उसमें दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक तो होता है ये स्टिग्मा वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या होता है, ये स्टिग्मा वाला पार्ट होता है बच्चों, यानी ये क्या होता है, फीमेल वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये फीमेल वाला पार्ट होता है किसी भी फूल में, और जो यहां से ऐसे एंथर, ठीक है, यहां से ऐसे जो क्या निकले होते हैं आपके, यहां से ऐसे ही आपका मेल वाला पार्ट निकला होता है, ठीक है, ये आपका मेल वाला पार्ट है, जिसमें ये वाला पार्ट बच्चों एंथर होता है,
ठीक। और ये वाला पार्ट आपका जो डंडे डंडे सा है, छड़ सा है, इसे फिलामेंट कहते हैं, ठीक है, इसे फिलामेंट कहते हैं यानी तंतु कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि जो एंथर है, ठीक है, जो एंथर है इसके अंदर ऐसे पाउडर पाउडर नुमा एक स्ट्रक्चर होती है, जैसे पाउडर होता है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होता है पॉलन ग्रेन, ठीक है। क्या नाम होता है? पॉलन ग्रेन। सबने बताया है क्या? डी, सबने बताया है, यस। क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन। यस मनोज, बिल्कुल ठीक है, उसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले आ जाइए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनमें से मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास है? ध्यान से सुनना, मैक्सिमम वैलेंसी नहीं पूछी गई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा किसके पास है? ये 11 नंबर पे आता है, सोडियम। एल्यूमिनियम कितने पे आता है? 13 नंबर पे। सिलिकॉन 14 और फॉस्फोरस आपका 15। अब बता दो किसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है? आंसर आया है फॉस्फोरस, ठीक है विक्रम, नीति, राजेश का भी आया हुआ है। चलिए हाँ, आशु, करंट अफेयर की क्लास बच्चे अब नहीं होगी, शॉर्ट वीडियोस में मैम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगी, ठीक है, जो अपडेट हो रहा होगा वो सब मैम आपको शॉर्ट वीडियोस फॉर्म में देंगी, वो आप जरूर देख लीजिएगा। गुड इवनिंग दीपक, गुड इवनिंग, आप कहाँ थे? कल भी क्लास हुई थी वैसे, ठीक है। चलिए तो अगर हम बात करें कि क्या है यहाँ पर आंसर, तो फॉस्फोरस आपका बिल्कुल ठीक आंसर। देखो यहाँ पर अगर आप भरेंगे तो पहले में 2, 8 लास्ट वाले में 1 जाएगा, फिर यहाँ भरोगे 2, 8 लास्ट वाले में कितना जाएगा भाई? 3 जाएगा। इसमें भरोगे 2, 8 लास्ट वाले में कितना जाएगा? 4। और इसमें 2, 8 लास्ट वाले में 5। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम इसी के पास है, यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बच्चों बहुत आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों से पूछा जा रहा है, प्यारे प्यारे बच्चों से क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से किस कशेरुकी समूह में हृदय ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है? ठीक है, देखो हमारा क्या होता, हमारा हृदय इस तरीके से होता है। हाँ जी मैम, इतना प्यारा सा, ये मेरा है, तुम्हारा होता तो ब्लैक पेन यूज करना पड़ता, मेरा है तो मैं व्हाइट पेन, मेरा दिल बहुत जो कोरा है, ठीक, कोरा कागज है, ठीक है, बिल्कुल सफेद है, तुम्हारा ब्लैक पेपर, ठीक है, तो ये मेरा है बच्चों। तो होता क्या, आप सब जाते हैं, यहाँ से खून आता है, फिर जो आपका हार्ट है, ठीक है, मैंने बहुत पहले कहा था और जो बच्चे इस बात को समझ गए होंगे उनका जीवन बहुत अच्छा चलता जाएगा कि हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, आपके दिल का बस एक ही काम है कि वो ब्लड को पंप कर दे, ठीक है, और कोई काम नहीं होता है। तो इसने यहां से आता है ब्लड, हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, यहां से चला जाता है। लेकिन इसने कहा कि कौन सा ऐसा क्या है, वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट कहने का मतलब कि उसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी और बच्चों वो अपने हार्ट को पंप करने के लिए, मतलब अपने खून को पंप करने के लिए हार्ट की जरूरत नहीं होती है, हृदय की जरूरत नहीं होती। क्या आंसर आएगा जल्दी से? यस, पाइसेस, यस, मैंने कहा था वर्टिब्रेट कितने होते हैं, जैसे वर्टिब्रेट आए लिखो परम, ठीक है, परम, ठीक है जी। पी फॉर पाइसेस, ए फॉर एम्फीबियन, आर फॉर रेप्टाइल्स, ए फॉर एप्स, एम फॉर मैमल्स। तो जो बच्चों पाइसेस होते हैं, मछलियां, ठीक है, पाइसेस में कौन आते हैं? फिश। इनको अपना अपना जो खून है, ठीक है, जो फिश है बच्चों, जो फिश होती हैं, इनको अपना खून पंप करवाने के लिए हार्ट की यानी हृदय की जरूरत नहीं होती। होता क्या है, ये मान लो इनका हार्ट है, ठीक है, यहाँ पे खून आया, ठीक है, ब्लड आया, ये क्या करते हैं बच्चों, जब ब्लड आया तो इनको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो ये क्या करते हैं, अगर इस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है तो उसे कहाँ भेजते हैं? गिल्स के पास, ठीक है, गिल्स के पास जाता है बच्चों, और फिर ये इसमें O2 O2 मिला देता है, इस इनका जो गिल्स होता है गलफड़ा, वो O2 मिला देता है, और फिर ये क्या करते हैं, फिर इनका जो हार्ट पंप होता है, जो इनका ब्लड पंप होता है बच्चों, वो गिल्स के द्वारा होता है, गलफड़ों के द्वारा। तो ओनली पाइसेस आपका सही आंसर है, यस, यहाँ पर ओनली पाइसेस आपका सही आंसर है, बिल्कुल ठीक बात है, डी यहाँ पर आपका ठीक आ जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट बताओ, एक न्यूरॉन में विद्युत सिग्नल का रासायनिक सिग्नल में रूपांतरण होना है, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है, इन अ न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल टू अ केमिकल सिग्नल अकर्स एट, आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर कोई न्यूरॉन है, न्यूरॉन क्या करता है बच्चों, आप सब जानते हैं कि जो भी आपके बॉडी में कांड हो रहा है सब न्यूरॉन करवाता है, ठीक है
तो जो आपका न्यूरॉन, उसमें जो इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है केमिकल सिग्नल में, ठीक है, तो वो कहाँ हो रहा है? सेल बॉडी में हो रहा है, ऑक्सोनल में हो रहा है, डेंड्राइट में हो रहा है, या एक्सॉन में हो रहा है? कहाँ हो रहा है? एक्सॉनल एंड, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है दीपक, बिल्कुल ठीक आंसर है मनीषा जी, आपका भी ठीक है। ये बताओ एक दूसरे का देख के तो आंसर नहीं कर रहे कुछ, तुम अपने दिमाग से आंसर करो, एक दूसरे का देख के कॉपी कर रहे हो? चलिए ठीक है, तो इसका मतलब कॉपी नहीं कर रहे हैं, आ जाइए। तो देखिए बच्चों, एक्सोनल एंड बिल्कुल सही आंसर है। आ देखो यहाँ पर इस तरीके से, यहां से जो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, यहाँ पे आता है, और बच्चों ये क्या हो जाता है, यहाँ पर आते आते क्या होता है, जो एक्सोनल एंड है, ठीक है, यहाँ पर वो चेंज हो जाता है किसमें, केमिकल में, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल केमिकल सिग्नल बन जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सोनल एंड कहते हैं, ठीक है। और यही आपके इसमें पूछा गया था, यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है, आ गया हो भाई। अब देखो कुछ मैंने वन लाइनर क्वेश्चन भी डाले हैं जो फ्री के मार्क्स है, ठीक है, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए, आपको पता है। और ये आपका, अगर मैं बात करूं तो इसको आप एक सेकंड में करिए, ऐसे क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन आप एक सेकंड में करिए। आपसे पूछा गया है कि द सुसाइड बैग ऑफ द सन, बताओ भाई इसके लिए हम क्या क्या टर्म यूज करते हैं? हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे सनम, है ना, इसके लिए यही यूज कर रहे थे हम, क्योंकि ये ऐसा ही कुछ काम करता है, खुद तो मरता है और अपनी कोशिका को भी ले जाता है। यस यस, लाइसोसोम, बिल्कुल सही बात है, लाइसोसोम बिल्कुल ठीक बात है, खुद तो जाता है और अपनी कोशिका को भी ले जाता है, बिल्कुल ठीक बात है, यस। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जो तनु अम्ल से अभिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड। आपसे कहा जा रहा है किसको हम डाइल्यूट एसिड के साथ जो है क्रिया करवाएं तो भाई वो क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड ना दे, ये आपसे पूछा गया है, बताइए फटाफट बताइए, जल्दी से, कह रहे हैं हम ना डूबेंगे, अरे अगर पढ़ोगे तो नहीं डूबोगे, ठीक है, और ऐसे हंसोगे तो कुछ हो सकता है, चलो जल्दी से बताओ जल्दी, और लाइक करते चलो भाई, अगर आप चाहते हो कि आपको निकम्मो नाम से ना बुलाया जाए तो लाइक जरूर करना है। देखो बच्चों यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं तो मार्बल का क्या हो जाएगा आपका, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर भी आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये दोनों तो सेम ऑप्शन है, तो सेम ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकते, ये दोनों काट दो, ठीक है, इन दोनों को तो ऐसे बोल दो कि आपको पागल बना रहे, इन दोनों में से आपको चूज करना है। बेकिंग सोडा क्या है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, अब ये अगर करेगा किसके साथ, HCl ले लो, डाइल्यूट HCl ले लो, ठीक है, तो बच्चों यहां से आपको पता है CO2 से यहाँ आपका कार्बन डाइऑक्साइड 100% बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा, लेकिन उसने कहा है कि कब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बने, तो उसके लिए सही आंसर आएगा लाइम, ठीक है, कहां पे, CaO, ठीक है, CO को जब आप किसके साथ कराएंगे, HCl के साथ कराएंगे, तो यहां पर आप सब जानते हैं, यहां पर बच्चों आपका CO2 निकलने का कोई चांस नहीं है, बताइए कहां, यहां कहीं कार्बन है, बताइए कैसे निकलेगा CO2, ठीक है, तो इस हिसाब से यहां पे लाइम आंसर आपका बिल्कुल ठीक था, डी आंसर, ठीक है, डी आंसर आपका ठीक था, बिल्कुल ठीक था। चलो नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा, यौन के दौरान मानव शरीर में कई परिवर्तन होते हैं, लड़कों में यौन परिपक्वता से जुड़े एक बदलाव को चिन्हित कीजिए। देखो जब कोई लड़का क्या होता है, ठीक है, मैं कहूंगी प्रिवर्टी एज के उसमें जाता है, ठीक है, मेच्योर होता है बच्चों, तो जब वो मेच्योर होता है तो क्या ऐसा होता है, कौन सा ऐसा गुण है जो उनमें आ जाता है, क्या उनके दूध के दांत टूटने लगते हैं, ये बताओ, जब तक वो मेच्योर नहीं होते हैं, मतलब 18 तक तुम्हारे दूध के ही दांत थे, तुम में से कितने हो जिसके पास अभी दूध के दांत हैं, बताना एक बार, बताओ आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं, चूना, हाँ दीपक वर्मा, चूना कई तरीके का होता है, एक खाने वाला होता है, एक लगाते हैं मतलब कि दीवार पे, ठीक है, पुताई उताई के लिए आता है, और एक वो वाला चूना जो तुम लोग एक दूसरे को लगाते रहते हो, है ना, तीन चार तरीके के होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में दो ही पूछा जाएगा, वो जो लगाते हो ना वो नहीं पूछा जाएगा, बताओ जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर, नीति चूना लगाती है, देखो मनीषा कह रहे मैम नीति चूना लगाती है, भाई मुझे कैसे पता, तुम बता रहे हो तो मुझे कैसे पता, चल तो बच्चों अगर हम बात करें, हाँ तुम्हारे पास लगाने वाला ही होता है, मुझे पता है तुम्हारे पास लगाने वाला ही होता है, मुझे पता है,
देखो बच्चों, अगर हम बात करें होता क्या है कि जो लड़कों की आवाज ना बिल्कुल फटे बांस जैसी हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल बेकार हो जाती है। देखो लड़कियां जो होती हैं, इसीलिए ऐसा कहा जाता है इनकी पिच, ठीक है, चलो फिजिक्स में घूमते हैं, इनकी पिच क्या होती है, लो, ठीक है, पिच लो होती है। गर्ल्स की क्या होती है, पिच हाई होती है, ठीक है। हाई क्यों होती है, क्योंकि लड़कियों की आवाज जो होती है बहुत सुरीली होती है, ठीक है। कैसे बोलती है लड़कियां, हेलो, है ना, और लड़कों की ऐसे होती है, हेलो, है ना, कितनी गंदी सी, ठीक है। तो यहां पे सबसे सही आंसर है आपका सी ऑप्शन, ठीक है, सी बिल्कुल ठीक है। चलिए अब आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, वनस्पतिक प्रवर्धन से तात्पर्य नए पौधों से के निर्माण में है। चलिए बहुत अच्छा आंसर है, आपसे कहा जा रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है, जब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है तो उसमें आप जो है पौधों को किस तरीके से नए पौधों का निर्माण कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, अगर आप किसी पौधे को क्या करिए, अगर आप किसी पौधे का रूट ले लीजिए, ठीक है, किसी भी पौधे का रूट ले लीजिए और उसको दूसरी जगह पे लगा दीजिए, वहां से एक प्लांट क्या कर जाए, ग्रो कर जाए, ठीक है, या उसकी कोई एक उसका तना ले लीजिए, स्टेम ले लीजिए, स्टेम को कहीं लगा दीजिए, वो वहां भी वो ग्रो कर जाए, या स्टेम छोड़ो तुम लीफ ले लो, उसकी पत्ती ले लो बच्चों, और पत्ती को भी अगर आप लगाते हैं तो वहां भी प्लांट उग जाता है। तो ऐसे ऐसे जो है प्रोपोगेशन को हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वनस्पतिक प्रवर्धन में यही होता है। तो बच्चों जब कोई नया पौधा स्टेम से, रूट से और लीफ तीनों तरीके से क्या हो जाए, ग्रो कर जाए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके डन, गुड इवनिंग अमित, गुड इवनिंग, बहुत टाइम से आए आप क्लास। सभी बच्चों को एक बार बताओ कितने पंक्चुअल आप कैसे हैं, ठीक है, सभी को बताओ कि मैं यही खाता हूं, मेरी मम्मी रोज जो है खाने मुझे ये देती है, ठीक है, चप्पल वप्पल देती होगी तो वो मत बताना, झाड़ू चप्पल बेलन वो मत बताना, अगर कुछ हेल्थी फूड देती होगी तो बताना इन्हें, इसलिए आप इतने पंक्चुअल हैं। यस बिल्कुल, स्टेम रूट और लीफ जब तीनों के थ्रू क्या हो जाए, वहां पर आपका प्लांट ग्रो कर जाए बच्चों, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। ओके चलिए, यस नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, शुक्राणु के परिवहन के लिए पुरुष प्रजनन प्रणाली अंगों को सही क्रम में लिखिए, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ठीक है। देखिए जो मेल होते हैं, ठीक है, मेल में क्या होता है, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होता है स्पर्म का, तो पूछा जा रहा है उसके लिए बिल्कुल सही रास्ता कहाँ है, सबसे पहले स्पर्म कहाँ बनेगा, फिर कहाँ आएगा और फिर कैसे बाहर होगा, ठीक है, तो आपको ये बताना है, बताएंगे एक बार, चलिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल, कुछ बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं, यस विक्रम आपका भी बिल्कुल ठीक जा रहा आंसर, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। सुनील जी आए हैं, उनको एक भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिख रहा, उनका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, मनीषा नहीं आई है क्या, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सही आंसर क्या है, यहाँ पर सही आंसर है आपका बच्चों ए ऑप्शन, कैसे, इधर आओ, इसमें देखो, यहाँ से समझेंगे, सबसे पहले स्पर्म कहाँ बनेगा, सबसे पहले स्पर्म बनेगा बच्चों टेस्टिस में, यहाँ बन गया स्पर्म, ठीक है, यहाँ से बन के इस ट्यूब के द्वारा, ठीक है, ये इस ट्यूब का नाम क्या होता है, वॉल्स डिफरेंस, ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होगा, जो यहाँ पे स्पर्म बना है ये इसके द्वारा जाएगा बच्चों, और फिर यहाँ से जाके ये जो यूरेथ्रा वाला मार्ग है, ठीक है, जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं, ठीक, मूत्र मार्ग, ये यूरेथ्रा वाला पार्ट है जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है, तो वही वाला ऑप्शन यहाँ पे सही था कि सबसे पहले टेस्टिस में बना, फिर वॉस डेफरेंस, फिर यूरेथ्रा, ये वाला ऑप्शन सही था, ए बताया था ना आपने, ए बताया था। चलिए कह रहे मनीषा इतना फेमस है। चल नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, मीठे पानी के पौधों और जानवरों के जीवन के लिए सबसे अनुकूल पीएच क्या है, बताओ, जो फ्रेश वाटर है जिसमें जानवर और आपके पौधे बिल्कुल जो है मजे के साथ रहते हैं, वो पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है कि 6.5 to 7.5, ठीक है, 2.0 3.5, आप सब जानते हैं पीएच वैल्यू किसी किसी चीज की पूछी जाती है, अगर मैं बात करूं कि और किसकी पूछी जाएगी मैम, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड,
ठीक है, ब्लड की भी पूछ ली जाती है, सभी मुझसे जो पढ़ते हैं उनको सभी को पता है 7.4 पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, ठीक है, मिल्क कितनी होती है 6.9 समथिंग जो है, आप किसकी मान के चलते हैं, मिल्क की, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें स्टोमक, ठीक है, पीएच वैल्यू ऑफ स्टोमक पेट की, ठीक है, जो आपका क्या है निकला हुआ पेट है, अगर हम उसकी बात करें उसकी कितनी होती है मैम, तो 1.5 से लेके 3 के बीच में आपकी होती है, ठीक है। सलाइवा की भी आपकी 7.5 से लेके समथिंग 7.3 या कुछ होती है ना, यही रेंज होता है। लेकिन यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है, बिल्कुल ठीक आंसर है, चले बाय नीति, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर 6.5 to 7.5, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाएगा, यस ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक जाएगा, ठीक है। चल ओके, चलिए आज तो भाई तुमने 100 लाइक कर दिया है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समजात अंगों का उदाहरण है बताइए, एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स। होमो का मतलब बच्चों सेम, ठीक है, सेम, और लॉगस का मतलब है दिखने वाला, ठीक है, या लॉगस को ऐसे लिख लो लगता है, ठीक है, लगता है। कहने का मतलब जो लगेगा सेम, लेकिन उसके बच्चों काम सेम नहीं होते, ठीक है, उन दिखने में सेम होते हैं लेकिन काम अलग अलग होते हैं, ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस कहते हैं। तो बताओ इसमें होमोलॉगस क्या है, हमारी पांव और कुत्ते का अगला पैर, बिल्कुल कुत्ते का अगला पैर हमारे हाथ के जैसा होता है लेकिन काम अलग होते हैं, हम किसी चीज को पकड़ने, ठीक है, कैच करने के काम में आता हमारा हाथ, लेकिन वो अपने हाथ का काम कहाँ करते हैं, चलने के लिए करते हैं, ठीक है। हमारे दांत और हाथी के दांत, बिल्कुल बच्चों हाथी के भी दांत यहीं पे होते हैं, हमारे भी दांत यहीं पे होते हैं, लेकिन हम अपने दांतों का प्रयोग क्या करते हैं, खाने के लिए करते हैं, हाथी ऐसा कुछ नहीं करता है। तो हाथी के दांत और हमारे दांत जो है एक जैसे हैं लेकिन काम अलग अलग है, ठीक। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ऑप्शन डी सही जाएगा कि जो चीज क्या हो बच्चों, जो दिखने में एक जैसी हो, ठीक है। कहने का मतलब देखो हमारे पैर, ठीक है, चीता हो गया, बैल हो गया, इन सब के जो पैर है बच्चों एक जैसे हैं, लेकिन क्या सबके काम एक जैसे है? नहीं मैम, सबके काम अलग अलग है। तो आपको याद रखना है जिसके काम अलग अलग हो, दिखने में एक जैसे हो, उसे हम होमोलॉगस कहते हैं, ठीक। चल नेक्स्ट क्वेश्चन में मैम आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, एक जायगोट जिसमें पिता से विरासत में मिला एक्स गुणसूत्र होता है। चलो भाई आप सब जानते हैं कि गैमेट सेल, एक स्पर्म आता है, ठीक है, दो कोशिकाएं मिलके, एक स्पर्म सेल और एक ओवम सेल दोनों मिलके क्या करते हैं बच्चों, जाइगोट का निर्माण करते हैं। अब एक बात बताओ, जाइगोट एक सेल होता है, जल्दी से बताएंगे, ये यूनिसेल्युलर है, ठीक है, बताओ आपसे मेरा क्वेश्चन है, या मल्टी, जल्दी से बताइए। ये जो आपका जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, जाइगोट इज अ यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। बच्चों याद रखना है जाइगोट आपकी सिंगल सिंगल सेल है, मतलब यूनिसेल्युलर है, ठीक है, यूनिसेल्युलर है। और बच्चों होता क्या, आप सब जानते हैं कि जो फादर होते हैं और जो मदर है, ठीक है, फादर एक्स वाई देते हैं और मदर हमेशा एक्स एक्स देती है, ठीक है, ये एक्स दिया ये तो हमेशा एक्स ही देंगे, तो गर्ल इन्होंने वाई दिया तो हमेशा एक्स देंगे, तो बॉय। तो अगर अगर फादर ने क्या दिया है, एक्स दिया है, तो भाई क्या बनेगी, बेबी गर्ल, ठीक है, बेबी गर्ल, ठीक है, बी ऑप्शन, बेबी गर्ल बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, यस, हाँ बिल्कुल। ये एक बात हमेशा याद रखेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है कि जाइगोट कैसा होता है, आपको याद रखना है जाइगोट इज अ सिंगल सेल, ठीक है, बिल्कुल। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बात है भैया आज 200 लाइक करके जाओगे तुम, वेरी गुड। चलिए भाई अब वही बात कि फ्री के मार्क्स हैं लेकिन कहीं भी आपसे पूछे जाएंगे, फ्री के एक नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन कहीं भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा रहा है ल्यूकोप्लास्ट आर मेनली फाउंड, ल्यूकोप्लास्ट जल्दी से बताइए, सबसे पहली बात ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, प्लांट्स में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो मैं आपको देती हूँ स्टेम, ठीक है, रूट्स, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, या लीफ, ठीक है, जल्दी से बताओ ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाए जाएंगे प्लांट्स में, मेनली आपको मेनली शब्द पे ध्यान देना है, पूछा गया है कि ल्यूकोप्लास्ट मेनली कहाँ पाए जाएंगे, ठीक है, बताइए जल्दी से। एक बच्चा कह रहा नहीं पता, एक बच्चा कह रहा मैम प्लांट, अरे प्लांट में मेनली कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट तो मैंने ही बता दिया, नहीं पता, जानना है तो 200 लाइक, ठीक है, 196 हो गया है, जल्दी से उसे 200 बताओ फिर मैं आपको बताती हूँ, नहीं पता आपको जानना है तो 200 बनाओ फटाफट।
जल्दी से 200 करो, जल्दी से। सुनील क्या हो गया? क्या हो गया भाई? तो यहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, अब देख लो, अब सभी देख लो बच्चों, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। बहुत कम बच्चों ने इसका सही, किसी ने सही आंसर नहीं दिया। यस, मनोज, मनोज का बिल्कुल ठीक आंसर है। एक सिंगल बच्चे ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है, मनोज ने, ठीक है। पहले इन्होंने यही थे क्या? एक मिनट नहीं, दूसरे एक मनोज सिंह है, ठीक है, जिन्होंने स्किप कर दिया, लेकिन दूसरे मनोज है जिन्होंने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है, और वो आंसर है रूट्स। बच्चों जो मेनली कहाँ पाया जाता है? रूट्स में, ठीक है, जो किसी भी चीज को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, ठीक है, संग्रहण करने का काम करता है, ये बात आपको याद रखना है, जमा करने का काम करता है। तो अगर आपके क्वेश्चन आ गया तो आप किसके साथ जाएंगे? जड़। कहाँ होता है? मेनली, मेनली कहाँ पाया जाएगा? जड़ में, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अब रूट सब, अब सब देखो कितनी जल्दी इनमें ज्ञान आ गया। चलिए बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से एक फाइलम है, ठीक है, जिससे एको एको एलोमेटस, ठीक है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, एको एलोमेटस एक जो है जंतु है जो किस फाइलम से संबंधित है, ठीक है बच्चों। तो आपको याद रखना है कि ये एक जीव है जो किस फाइलम से संबंधित है बच्चों? प्लेटीहेलमिंथिस। प्लेटीहेलमिंथिस में ऐसे जो है जीव जंतु आते हैं बच्चों जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, जैसे आपकी चप्पल नहीं होती फ्लैट, ठीक है, या प्लेट घर में जिसमें खाना खाते हैं, प्लेट बिल्कुल क्या होती है? प्लेट मैम बिल्कुल क्या होती है? फ्लैट होती है। तो उसी प्लेट से याद रखेंगे, प्लेटीहेलमिंथिस में जितने जीव आ रहे हैं वो क्या होते हैं? उनका बिल्कुल जो आकार होता है वो फ्लैट होता है। आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से किसका रक्त सफेद होता है? लिजार्ड, कॉकरोच, या आपका हाउस बग, किसका? मॉस्किटो। जल्दी से, कौन सा ऐसा है बच्चों जिसका आपसे पूछा जा रहा है जो रक्त है वो सफेद होता है, ठीक है, जल्दी से बताइए। लिजार्ड के बारे में क्वेश्चन कि रेप्टाइल्स से, ठीक है, रेप्टाइल से बिलोंग करती है, लिजार्ड के बारे में क्वेश्चन है। कॉकरोच, क्या आंसर आया है? कॉकरोच आया है क्या? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। अगर आप बी आंसर कर रहे हैं, यस 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 यस, बी ऑप्शन इज राइट। जो कॉकरोच है बच्चों, कॉकरोच, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कॉकरोच का खून क्या है? सफेद है, ठीक है, कॉकरोच का खून सफेद है, किस कारण है? कोई मुझे बताएगा? चलिए, किस पिगमेंट के कारण है? जल्दी से, बहुत बार बताया है, किस पिगमेंट के कारण है ये बताइए। हमारा खून लाल है क्योंकि हम में हीमोग्लोबिन है, ठीक है, इनका खून क्या है? सफेद है, किस पिगमेंट के कारण? मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, जल्दी से बताइए। और कॉकरोच किस फाइलम से बिलोंग करता है ये मैं बताती हूँ, ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है, जो आपका ऑर्थ्रोपोडा फाइलम है वहां से आपका कॉकरोच जो है उस फाइलम से बिलोंग करता है। लेकिन आपने बताना है कि किस पिगमेंट के कारण, कौन बताएगा मुझे? मैंने एक एक बच्चे को पढ़ा रखा, विक्रम, हिमांशु, ठीक है, निर्मल, राज, सब बच्चों को, मनोज, हिमांशु, पंकज, मनीषा, सभी को पढ़ाया हुआ है, जल्दी बताइए। कॉकरोच का खून सफेद है, ठीक है, जिसको नहीं पता तो बॉयज आज ही एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, तुम में से मुझे पता है, लड़कियां तो जाती नहीं है, है ना, काफी डरती हैं, लेकिन लड़के आज ही मार देंगे एक दो कॉकरोच की है, इनका खून सफेद होता है देखने के लिए। चलो जल्दी बताओ, हीमोसाइनिन, यस हीमोसाइनिन बिल्कुल ठीक आंसर है ना, हीमोसाइनिन, यस हीमोसाइनिन के कारण, बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है, हीमोसाइनिन के कारण बच्चों क्या है, इनका खून जो है वो सफेद, ठीक है, सफेद, हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण, यस बिल्कुल ठीक आंसर है, बिल्कुल हीमोसाइनिन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, क्रोमोसोम शब्द किसने दिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं आपकी सेल में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम में ही जो आपका डीएनए होता है बच्चों, ये डीएनए यही तो होता है इसके ऊपर, और यही क्या करता है, तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा जैसा बनाता है, ठीक है, डीएनए। तो आपसे पूछा जा रहा है, इस क्रोमोसोम को, क्रोमोसोम जो शब्द है, ये टर्म है, ये नाम किसने दिया? हाँ जी, किसने नाम दिया है ये बच्चों? आजकल बहुत पूछा जा रहा है कि भाई किसकी खोज किसने की है, या खोज कम पूछा जा रहा है, किसने किसको क्या नाम दिया, ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा, कोई मुझे बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? कोई मुझे? तो बच्चों याद रखना, वर्ल्डेयर नाम के एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वर्ल्डेयर नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये शब्द दिया था, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, क्या शब्द दिया था? क्रोमोसोम, ओके, क्रोमोसोम बिल्कुल ठीक है। परमजीत, ठीक है, बोल दिया, नेम बोल दीजिए मैम, बिल्कुल बोल देंगे आपका नाम,
ठीक है, एक बार सिलेक्शन ले लो, फिर यहाँ कैमरे के सामने भी बुलाएंगे। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा पशु प्रजाति फाइलम आर्थ्रोपोडा से संबंधित है? ठीक है, बताइए आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है मैम? आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा का मतलब है बच्चों कि देखो, पोडा का मतलब होता है पैर, ठीक है, और आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंट, ठीक है, मतलब जिसके पैर जुड़े हों। तो कौन सा है जो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है? तो बच्चों अगर जो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पे जो आपका अरेनिया है, ठीक है, अरेनिया जो है बच्चों, इसका ये एक लैटिन शब्द है, ये एक लैटिन शब्द है। अगर मैं इसकी हिंदी बताती तो तुम पक्का आंसर कर देते, इसकी हिंदी है। अब देखो तुम्हारा जो एग्जामिनर वो इंग्लिश हिंदी छोड़ के लैटिन भाषा में आपको क्वेश्चन दे रहा है, इसकी इंग्लिश है स्पाइडर, ठीक है, स्पाइडर। अब बता दो, अब अगर मैंने यहाँ स्पाइडर ऑप्शन में डाला होता, फटाफट आंसर आता कि जो स्पाइडर है वो ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। फटाफट आप आंसर कर देते, इतनी जो है बात मुझे पता है। दीपक वर्मा ने तो फिर भी कर दिया, वेरी गुड, ठीक है, तो डी ऑप्शन आप पे सही जाएगा। चलिए अब आपसे पूछा जा रहा है, ओबेलिया एनिमल किंगडम किस संघ से संबंधित है? ठीक है बच्चों, यही यही जिस संघ से ये है, जिस फाइलम से ये है, वहीं से आपका हाइड्रा भी है, ठीक है, जेलीफिश भी वही है, जो आपका सीलेंट्रेटा है बच्चों, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम निडेरिया फाइलम कहते हैं, निडेरिया फाइलम, ठीक है बच्चों। इस फाइलम के जंतु की एक बहुत खास बात है, ये अपने अंदर से बच्चों जहर निकालते हैं। हाइड्रा देखने में बहुत प्यारा होता है, ओवेलिया या हाइड्रा दिखाऊं आपको, ये देखिए, ये बच्चों नाइड्रा नाइडेरिया, ठीक है, ये जो है नाइडेरिया फाइलम से बिलोंग करते हैं। दिखने में बड़े प्यारे होते हैं लेकिन अपने अंदर से जहर निकालते हैं, अगर आप इसे टच कर लीजिए, ठीक है, अगर हाइड्रा पे आपको किसी दिन ज्यादा प्यार आ गया, आपने इसे टच कर लिया, बड़ा प्यारा लग रहा है, तो वहीं आपके हाथ में जहर हो जाएगा, आपके हाथ में इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, ठीक, मोलस्का नहीं आएगा। देखो देखो दीपक वर्मा ने मोलस्का जो है आंसर किया था, और जैसे ही मेरी नजर गई फटाफट रीड करो, हाँ गलत आंसर कैसे दे दिया मैंने। चलिए ठीक है भाई, ये तो सब बता दोगे, ऐसा कौन सा है जिसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है? मैम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? तो 51.5 बार बताया है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब बच्चों हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? क्लोज। क्लोज का मतलब है कि हमारा जो खून है किसी नस में बह रहा है, किसी नली में, ठीक है, किसी डक्ट में, लेकिन अगर बिना नली के ही हमारा खून बहता जाए, देखो नस वस ना हो हमारे अंदर, तो उसे हम कह देंगे हमारा खून क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन हमारा क्लोज है। तो बताओ ओपन किसका है? बहुत बार बता रखा है, यस कॉकरोच। इस कॉकरोच को अपने घर पे लो, बैठो, और जितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं बच्चों, 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, किस फाइलम से बिलोंग करता है, खून का रंग सफेद है, किस किसके कारण है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, और भी 1-2 क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। इसका जो बॉडी हो कितने सेगमेंट में बटा है? 3 सेगमेंट में बटा है, ठीक है, तीनों का नाम क्या है पढ़ लेना। चलिए, फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। देखो हमारा जो कलर है, या तो हम गोरे हैं या काले हैं, ठीक है, हम 2 ही कलर के हैं, ऐसा तो नहीं कोई पिंक कलर का है, कोई ब्लू कलर का है, कोई ग्रीन कलर का है, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उनका फूल का कोई पिंक है तो कोई येलो है, कोई ऑरेंज है, कोई रेड, ठीक है, रंग बिरंगे फूल होते हैं, तो ऐसा उनमें क्या पाया जाता है कि उनका कलर इतना रंग बिरंगा होता है? अगर हमारे अंदर तुम्हारे अंदर एक इंजेक्शन लगा दिया जाए उस चीज का, तो तुम भी रंग बिरंगे हो जाओगे, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या पाया जाता है जिससे वो इतने रंग बिरंगे होते हैं, बताइए फटाफट बताइए। कह रहे हैं अरे नहीं है कॉकरोच हमारे घर पे, ठीक है भाई। चलिए हाँ, सारे कह रहे हैं ऑपरेशन कर देना सब, अरे भाई नहीं, ठीक है, कितने बच्चे हैं, ठीक है, सारे अगर 100 कॉकरोच अगर आज मर जाएंगे और सबकी जिम्मेदारी मेरी, यानी सारे पाप जो मिलने वाले हैं वो मुझे मिलेंगे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए तुम तो एक कहकर निकल लो भाई, शिल्पी मैम ने कहा था। चलो तो यहां पर बिल्कुल बच्चों याद रखना, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्या आता है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है, मैंने हमेशा कहा है, किसी चीज का जो रंग है वो किसी ना किसी पिगमेंट के कारण है, ठीक है, पिगमेंट यानी बच्चों वर्णक के कारण है। तो जितने भी वर्णक है ना, सब किसके अंदर आ जाते हैं?
क्रोमोप्लास्ट के कारण आ जाते हैं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट के कारण ही क्या है, सभी फूलों का कलर रंग बिरंगा है। अब उसी में अलग अलग होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, या आपका क्लोरोप्लास्ट, वो सब अलग अलग। जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, उसने हरा कलर दिया, लेकिन क्रोमोप्लास्ट में सारे ही कलर आ जाते हैं। तो इसने पूछा सारा ही, इसने पूछा विभिन्न प्रकार के, ठीक है, इसने पूछा है कि वेरियस टाइप, तो इसमें सारे ही आ जाएंगे क्रोमोप्लास्ट में। डन, बिल्कुल ठीक बात है। चल हाँ जी, कैनियस ल्यूपस किसका वैज्ञानिक नेम है? देखो बच्चों, साइंटिफिक नेम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम किस किस का इंपॉर्टेंट है, मैम लिख रही हैं, एक तो ह्यूमन, ठीक है, अपने बारे में देख लेना, ठीक है, ह्यूमन का पूछा जाता है। दूसरा मेढक, राना टिग्राना होता है, बहुत पूछा जाता है। उसके बाद में और किसका पूछा, मैंगो, ठीक है, मैंगो, मैंगो आम का पूछा जाता है, ठीक है, कुछ ऐसे ही मैंगो फेरा करके होता है, ठीक। उसके बाद में काऊ का पूछा जाता है, काऊ का होता है आपका बॉस इंडिकस, ओके। और किसका पूछा जाता है, और आपका राइस, चावल का याद कर लेना, ठीक है बच्चों। गेहूं का भी पूछ लिया जाता है, चावल याद करोगे तो गेहूं भी याद कर लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं, ठीक है। बिल्ली का भी याद कर लेना कि बिल्ली का साइंटिफिक नेम क्या है, डॉग का याद कर लेना। और खैर यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कैनिस ल्यूपस बच्चों, तो आपको याद रखना वॉल्फ यानी भेड़िया, जो भेड़िया होता है उसका ही साइंटिफिक नेम आपका क्या है, कैनिस ल्यूपस, ठीक है, ओके। हाँ उसका ही नाम क्या है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। मुझे ये एक बात बताओ, ये जो एक गोल्डन सिंह है और कोई सुनील है, इन दोनों का बहुत तब से वार तलवार चल रहा है भाई। हाँ एक बार एक दूसरे का एड्रेस लेके तुम आराम से युद्ध करके आ जाओ, ठीक है, क्लास में मत करो, ठीक है बच्चों। हाँ लोमड़ी का मत याद करना, लोमड़ी का इतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चल हाँ जी, फ्री का मार्क्स, गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? गोल्जी बॉडी जल्दी से बताएंगे, गोल्जी बॉडी आपके सेल में पाई जाती है, उसका काम क्या है, किस लिए भगवान ने तुम्हारी सेल में गोल्जी बॉडी डाला है, जल्दी से बताओ जल्दी से। हाँ मैग्नीफेरा इंडिका फॉर मैंगो, वेरी गुड वेरी गुड परमजीत, ठीक है। अगर आप ऐसे आंसर करेंगे तो आपका नाम ऐसे ही ले लिया जाएगा, आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जल्दी जल्दी आशु क्या सही दिया था, जल्दी जल्दी से बताओ, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करो, जल्दी से जल्दी से। तो बच्चों देखो, आपकी सेल, ये आपकी मान लो सेल है, ठीक है, इसमें ऐसे प्रोटीन पूरा बिखरा हुआ होता है, ठीक है, जो आपका क्या होता है, प्रोटीन, ठीक है। तो इस प्रोटीन का जो पैकेजिंग है, ठीक है, इस प्रोटीन के पैकेजिंग का काम, या मैं कहूंगी इस प्रोटीन के जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम, ठीक है, कि यहां से प्रोटीन को ले जाके यहां तक छोड़ना है, ये सब काम किसका होता है, ये सब काम आपके किसका होता है, स्टोरेज। हाँ बिल्कुल, और अगर बात करें विक्रम किसके स्टोरेज, प्रोटीन, ठीक है, ठीक है भाई विक्रम, तो आपने याद रखना कि प्रोटीन को बांधना और उसको इधर से उधर क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये आपके गोल्जी बॉडी का काम होता है, बिल्कुल। ये देखो मैंने कहा था ना कि ये सब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, ठीक है, बेसिक यूनिट आना चाहिए शायद, है ना, फिजिकल बेसिक। चलिए, तो प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, ये स्टेटमेंट किसने दी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्या पता आपके एग्जाम में इसी बार आने वाला हो, याद रखना, ठीक है, कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है, कि जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये कथन किसने कहा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अपने आप में आंसर कीजिए जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, बिल्कुल ठीक आंसर है, आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। तो बच्चों अगर हम बात करें कि ये बात किसने कही थी, जल्दी से बताइए, कोई बच्चा बताएगा क्या, यहां पर कोई दिख रहा है क्या, ठीक है, ठीक है, तो यहां पर आपका क्या आएगा बच्चों, हॉक्सले, ठीक है, हॉक्सले नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, उन्होंने ही ये कहा था कि भाई जो है प्रोटोप्लाज्म क्या है, वो भौतिक आधार है, ठीक है। और अगर कहते हैं प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया, तो याद रखना पुरकिंजे, ठीक है, तब आपने क्या याद रखना होगा, पुरकिंजे ने ये क्या कहा था कि क्या है जो है ये आपका, ये प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था, लेकिन ये पूरा स्टेटमेंट किसने कहा था, हॉक्सले ने, ठीक है। हाँ जी, आपसे पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि ईसोफेगस का जो इनवॉलेंट्री वेव है, ठीक है,
वो उसको क्या कहते हैं, सीधा आपसे पूछा जा रहा है, ये इसोफेगस है। इसोफेगस का मतलब होता है जहां से खाना अंदर जाता है, फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप में खाना ऐसे 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 करके अंदर आता है। ठीक है, पहले खाना यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ ऐसे ऐसे। तो ये जो एक मोशन हो रहा है, ठीक है, ये जो एक मोशन हो रहा है बच्चों, इस मोशन को हम क्या कहते हैं, इस मोशन को हम क्या कहते हैं, यही आपके जो है इसमें पूछा जा रहा है। जल्दी से क्या कहते हैं भाई? निधि गहलोत, आप बाय घर कह के गए थे। हाँ चलिए, हाँ पेरिस्टेलिसिस, बिल्कुल सही बात है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्टेलिसिस। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, अगर आप घास का अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, बताइए जल्दी से। अगर आप घासों के बारे में पढ़ते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? स्टडी वगैरह भी आप देख लेंगे, ठीक है, इन्वेंशन स्टडी, इन सबसे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। चलिए, ए ऑप्शन, ठीक है, क्रमाकुंचन, बिल्कुल दीपक, बिल्कुल। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, ग्रास, ठीक है, घास यानी ग्रास, और ग्रास कहाँ पे आ रहा है? ग्रेस्टो, ठीक है, तो एग्रेस्टोलॉजी आपने याद रखना है कि घास के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एग्रेस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है भाई, डी ऑप्शन यहाँ पे सही आएगा। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो रक्त का थक्का जमाने के काम में आता है? बताओ भाई, कोई ऐसा मूर्ख प्राणी है कि ये नहीं जानता कि विटामिन के काम में आता है? ये क्वेश्चन तो मैंने अब डालना ही छोड़ दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में नहीं डालना भाई, मैं परेशान हो गई। ठीक है, मैं पढ़ाते पढ़ाते परेशान हो गई, तुम तो रोदोगे, है ना, तो ये वाला क्वेश्चन मैं देखते ही हटा देती हूँ। अगर कभी टाइपिस्ट दिखाता क्या मैम ये वाला क्वेश्चन डालना, मगर नहीं, बिल्कुल नहीं, ये वाला तो हटा दो। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। आर्यन जी कह रहे हैं सही पढ़ाओ, जी बिल्कुल, मान लिया आपकी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सही पढ़ाएंगे, गलत बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, और कुछ, और कुछ आदेश मालिक? तो यहां पे सबसे सही आंसर क्या है बच्चों? थ्रोम्बिन। ठीक है, सी ऑप्शन। सी क्या है? आपको पता है जो थ्रोम्बिन है वो क्या करता है, वो खून का थक्का जमाने के काम आता है, 118 बार बता रखा है। चलो भाई, जो एक अडल्ट ह्यूमन है उसके हृदय का जो क्या है भार है वो कितना है? जल्दी से बताओ, जल्दी 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 बताएंगे कि कोई अडल्ट ह्यूमन है उसके बॉडी का भार कितना है, फटाफट बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी जल्दी। सी ऑप्शन क्या आएगा भाई? तुम्हारे दिल का वजन कितना है? ज्यादा भारी तो नहीं कर लिया? भारी मत किया करो, ठीक है, जल्दी से बताएंगे कितना है। यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल, चलिए भाई, बिल्कुल ठीक आंसर है यहां पर आपका, 300 ग्राम। चलो, इसमें से कौन सीमेंट के जल अवशोषक क्षमता बढ़ाता है? कौन नहीं जानता है इस बात को? ठीक है, कौन नहीं जानता इस बात को बच्चों? आप सब जानते हैं, जब घर में घर बनाते हैं हम, ठीक है, तो घर नया नया बन रहा होता है तो बार बार पानी से उसकी हम तराई करते हैं, है ना, घर की बार बार उस पर पानी डालते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा सीमेंट अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करेगा बच्चों, उतना अच्छा वो क्या करेगा, उतना अच्छा वो वहां पर जो है उस वहां फिक्स होगा, सेटिंग टाइम अच्छे से लेगा, और अच्छे से क्या होगा, मजबूत बनेगा, स्ट्रांग, वो जो दीवार है वो बहुत स्ट्रांग बन के आपके सामने आएगी। तो वहां पर सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है बच्चों, जिप्सम जो है उसका जो क्या है एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है उसे क्या करता है, बढ़ा देता है, बहुत सारा पानी सीमेंट अपने अंदर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और बहुत स्ट्रांग दीवार बन के वो तैयार हो जाती है। इसी बात पे जिप्सम का फॉर्मूला लिख दीजिए, फटाफट इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि जैसे तुम जिप्सम का फॉर्मूला लिखोगे इसी से मैं बना दूंगी पीओपी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बना दूंगी। जल्दी से, जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से मुझे जिप्सम का फॉर्मूला बताइए। जैसे ही आप जिप्सम लिखेंगे, ठीक है, जिप्सम को मैं गर्म करूंगी कितना, 120 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस गर्म करते ही जिप्सम किस में आ जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, बताओ जल्दी से। CSO4 डॉट डॉट 2H2O, बिल्कुल सही बात है, CA कैल्शियम सल्फेट, CSO4.2H2O। और बच्चों जब मैं इसको 120 डिग्री सेल्सियस गर्म करूंगी तो बचेगा CaSO4.5H2O, ठीक है, और इसे हम क्या कहेंगे, हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, जो आपका पीओपी है, जो आपका पीओपी है, बिल्कुल ठीक बात है।
बिल्कुल सही बात लिखी है बच्चों ने, बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट कब है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा पहला जो क्या था हार्ट ट्रांसप्लांट था वो कब किया गया था, कब किया गया था भाई पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कब किया गया था, जल्दी से आंसर करेंगे, पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कब किया गया था, फटाफट आंसर करिए। और आज 250 लाइक कर दो भाई, तुम आज आज बड़े जो बड़े दिल वाले बने ही हो, ठीक है, कहा तुम 100 से ऊपर नहीं करते, आज तुमने 200 से ऊपर कर रखा है, तो आज कर दो भाई 250 लाइक कर दो जल्दी से जल्दी से। चलिए तो बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा 1967, ठीक है, कोई सा है जिसका जन्म 1967 में हो और अभी तक पढ़ ही रहा हो। चल आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शिरा फेफड़ों तक क्या है स्वच्छ रक्त ले जाता, स्वच्छ रक्त का मतलब है प्योर ब्लड, मतलब O2 वाला, चलो जल्दी से बताओ जल्दी से कौन सी वेन है, यस देखो बच्चों वेन में आप सब जानते हैं कि हमेशा CO2 वाला खून बहता है, ठीक, और जो आपकी आर्टरी है उसमें O2 वाला, लेकिन कभी भी अगर बच्चों वेन के सामने क्या आ जाए पल्मो शब्द आ जाए तो वहां क्या हो जाता है, मामला चेंज हो जाता है, पल्मो शब्द आते ही ये CO2 वाला खून छोड़ के कौन सा वाला अपने अंदर ले जाएगा, O2 वाला, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन आपका सही जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट आपका और लास्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय के किस कक्ष से फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है। चलिए तो ये आप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, है ना, इस तरीके से चार, अगर हम बात करें तो हृदय में चार चैम्बर है, ठीक है, यहां से खून फेफड़ों तक जाता है और फेफड़ों से फिर खून इस वाले में वापस आ जाता है, और यहाँ इस जो खून आता है वो O2 वाला होता है, तो यही पूछा जा रहा है कि O2 वाला खून फेफड़े से कौन से उसमें आता है चैम्बर में, तो ये राइट ऑरिकल है ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो किसमें आया है बताओ जल्दी से, किसमें आया है भाई, यहाँ पे है क्या, हाँ बिल्कुल है, ठीक है बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, मनीषा का ए आया है, ठीक है, एक बच्चा कह रहा लेफ्ट, लेफ्ट ऑरिकल या आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, यस ए ऑप्शन, ठीक है आपका लेफ्ट ऑरिकल। चलिए भाई एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये वाला तुम्हें मैं जो है क्या देने वाली थी पर ये नहीं दूंगी, तुमने आंसर देख लिया है, ये वाला आपका होमवर्क ले लो और भी इसको छोड़ो, चलो ये वाला आपका होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सभी बच्चे कहाँ से करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। चलिए हाँ अब क्लास बिल्कुल रेगुलर होगी, ठीक है, अब क्लास बिल्कुल रेगुलर हो रही है, ठीक है शुभ, बिल्कुल रेगुलर क्लास अब चल रही है, मैं आपको बता दूं कि अब मैम आ चुकी है, अब रोज आपकी क्लास यही सेम टाइम सेम जगह, ठीक है 5 PM चलने वाली है, केडी लाइव, कहाँ पर भाई केडी लाइव, ठीक है केडी लाइव, और अगर हम बात करें बच्चों केडी लाइव की जो यहाँ पर PDF है मैं आप जो है PDF भी अपलोड करवा दूंगी, ठीक है 241 लाइक हो गया है, जल्दी से 9 जाना और लाइक करेंगे फटाफट, तो बच्चों जो है केडी लाइव पे अब मैं ये PDF भी अपलोड करवा दूंगी ताकि आपको क्वेश्चंस भी मिल जाए, ठीक आंसर बिल्कुल नहीं दूंगी, ठीक है क्यों नहीं दोगे मैम, क्योंकि तुम्हें क्लास लेना पड़ेगा, अगर आपको आंसर जानना है तो आपको मेरी क्लास लेनी है, यहाँ पे आपको आंसर समझना है, ठीक है PDF में दे दूंगी, तुम रट्टा मारोगे, मैं नहीं चाहती तुम रट्टा मारो, ओके ठीक है भाई। चलिए हाँ मैम आ चुकी है अरे रुक जाओ अगले दिन हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, पढ़ाई करना है। चलो ठीक है बाय बाय टेक केयर, ओके कल सभी बच्चे 5 बजे आ जाएंगे, फिर हम कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, चलिए बाय बाय टेक केयर।